नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय कोशिका संरचना एवं कार्य में भाग 5 पढ़ा। भाग 5 में आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना, लवक के बारे में जाना, राइबोसोम के बारे में जाना और साइटोपंजर के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे के टॉपिक के बारे में, जो कि होगा पश्माभिका और कशाभिका क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे तारककाय और तारक केंद्र क्या होता है। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पश्माभिका व कशाभिका। पश्माभिका को इंग्लिश में कहते हैं सीलिया, कशाभिका को इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजिला। यहाँ पर जो आप संरचना देख रहे हो, ये एक बैक्टीरिया है जिसमें आपको ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ऐसी उभरी हुई, ये है सीलिया, ये सीलिया है। छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो ढेर सारी पाई जाती हैं। और जो बड़ी संरचना आप अगर देखते हो किसी बैक्टीरिया में या ह्यूमन सेल के, आप स्पर्म सेल को देखोगे तो उसमें भी ऐसी लंबी संरचना पाई जाती है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, यह है फ्लैजिला और यह है सीलिया। सीलिया आकार में छोटी होती हैं, फ्लैजिला आकार में बड़ी होती हैं। दोनों का काम होता है गति प्रदान करना। ये क्या करती हैं, कोशिका को उसके चारों तरफ पाए जाने वाले द्रव में गति करती हैं। ये थोड़ी लंबी दूरी तय कर सकती हैं। बात करें कि ये उत्पन्न कैसे होती हैं, तो ये उत्पन्न होती हैं बेसल बॉडी से। याद करिए आप फ्लैजिला की संरचना, जिसमें आपको बताया गया था कि फ्लैजिला के तीन भाग होते हैं, बेसल बॉडी, प्रोकैरियोटिक वाले सेल में बताए थे, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फ्लैजिला तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, बेसल बॉडी से ही होती है। जैसे मान लो एक कोशिका है, यहाँ पर मान लो कि एक कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका में एक संरचना जो कहलाती है बेसल बॉडी, यह है बेसल बॉडी। तो इन्हीं बेसल बॉडी से ही इनकी उत्पत्ति होती है, इस तरह से ये फ्लैजिला बाहर आते हैं। तो जो बाहर की संरचना होती है उसे यहाँ पर हुक कहते हैं, इस लंबे फिलामेंट, इस लंबे को जो संरचना है उसे फिलामेंट या तंतु कहते हैं, और इस संरचना को बेसल बॉडी कहते हैं। तो इतना तो आपने पढ़ा ही है कि फ्लैजिला के तीन भाग होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो चाहे पश्माभिका हो चाहे कशाभिका हो, ये किससे उत्पन्न होती है, बेसल बॉडी, जिसे हिंदी में आधारी काय कहते हैं, आधारी काय से उत्पन्न होती हैं। क्लियर है बातें। अब बात करें कशाभिका और पश्माभिका की, तो ये दोनों ही कोशिका में, अगर आप देखो तो ये कोशिका झिल्ली से घिरी होती हैं और कोशिका झिल्ली पर ही पाई जाती है। देखो ये है फ्लैजिला, सॉरी कशाभिका, छोटी छोटी कोशिका झिल्ली से ही घिरी होती हैं। तो आप लोग ऐसा ना समझें कि कोशिका झिल्ली इनमें नहीं पाई जाती, ठीक है। ये मान लो फ्लैजिला है तो वो भी कोशिका झिल्ली से ही घिरी रहेगी, ठीक। तो चाहे पश्माभिका हो चाहे कशाभिका हो, कोशिका झिल्ली से घिरी होती हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। जैसे हम लोग बना देते हैं जल्दी से, ये हो गया एक कोशिका, ये हो गया फ्लैजिला। तो आप लोग सोचो कि ये तो कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली तो यहीं पर पाई जा रही है, लेकिन ये कोशिका झिल्ली इसको भी घेरे होती है, फ्लैजिला को भी घेरे होती है, यही कोशिका झिल्ली आपके सीलिया को भी घेरे होती है। तो ये हमेशा याद रखना कि कोशिका झिल्ली पश्माभिका और कशाभिका दोनों को घेरे होती है। तो इतनी बात आपने जानी सीलिया और फ्लैजिला के बारे में, पश्माभिका और कशाभिका के बारे में। क्या जाना कि पश्माभिका और कशाभिका रोम सदृश यानी बाल के समान संरचना होती हैं, जो कोशिका झिल्ली पर पाई जाती हैं, कोशिका झिल्ली पर पाई जाती हैं। पश्माभिका छोटी होती हैं, चप्पू की तरह कार्य करती हैं, कोशिका के चारों तरफ के में उपस्थित द्रव्य में इसकी गति प्रदान करती हैं। कशाभिका बड़ी होती हैं, जो कोशिका को गति प्रदान करती हैं। दूसरा आपने जाना कि पश्माभिका और कशाभिका दोनों किससे उत्पन्न होते हैं, आधारी काय से निकलते हैं, जो कि एक तारक केंद्र जैसी संरचना होती है। फिर आपने जाना कि पश्माभिका और कशाभिका कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी भी होती हैं। बात करें इसके अंदर की संरचना को, तो चाहे कशाभिका हो चाहे पश्माभिका हो, इनके अंदर की संरचना की अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि ये एक बैक्टीरिया है, इनमें ये कशाभिका है। इस कशाभिका को अगर हम अंदर के भाग को देखें तो अंदर इसके काटने पर हमें ये चीज़ दिखाई देगा, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अगर हम इसके अंदर के भाग को देखें तो अंदर के भाग को कहा जाता है, इस कोर रीजन को कहते हैं अक्ष सूत्र, एक्सोनीम। इस पूरे कोर रीजन को कहते हैं एक्सोनीम, अक्ष सूत्र, जो कई
सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म नलिका यानी इस तरह से यहाँ पर नलिकाएं होती हैं ऐसे, तो ये नलिकाएं अक्ष के समानांतर होती हैं, ऐसे ही समानांतर जैसे ये हैं वैसे यहाँ पर एक और फिर एक और फिर एक और, तो अक्ष के समानांतर ये नलिकाएं व्यवस्थित होती हैं। बात करें अगर हम अक्ष सूत्र के केंद्र में, तो अक्ष सूत्र के केंद्र में दो सूक्ष्म नलिका होती है जो आपस में ब्रिज द्वारा जुड़ी होती हैं, और इसकी परिधि पर इस तरह से दो दो के जोड़े में कुल 9 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं परिधि पर, और ये सभी अरीय रूप से विन्यसित होती हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। आपने क्या जाना कि कशाविका के कोर को अक्ष सूत्र एक्सोनीम कहते हैं, जिस जो कई सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है। ये सभी नलिका, ये सब नलिकाएं हैं जिनको हम बाहर से दिखा रहे हैं, इस तरह से अंदर की तरफ होती नलिका के रूप में, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये नलिकाएं एक दूसरे के समानांतर या अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। अक्ष सूत्र के केंद्र में दो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, एक ये हो गई और एक ये, यानी एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका होती है। परिधि पर 9 जोड़ा द्विक सूक्ष्म नलिका, द्विक मतलब दो दो के जुड़े हुए, दो दो सूक्ष्म नलिका आपस में जुड़े हुए, और इस तरह से कुल 9 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, 9 जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं? अरीय विन्यसित होती हैं, रेडियली अरेंज्ड होती हैं। हम बात करें अगर अक्ष सूत्र के इस केंद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म नलिका के, तो ये आपस में जुड़े होते हैं किससे? ब्रिज द्वारा, सेतु द्वारा, और केंद्रीय आवरण सेंट्रल सीथ द्वारा घिरे हुए होते हैं। ये जो परिधि पर पाए जाने वाली जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो इनसे किससे जुड़ी होती हैं? तो ये इनसे जुड़ी होती हैं इस प्रकार से एक दंड के द्वारा, जिसे हम अरीय दंड या रेडियल स्पोक कहते हैं। रेडियल स्पोक, अरीय दंड कहते हैं। तो आपने देखा कि यहां पर एक्सोनीम में दो सूक्ष्म नलिका केंद्र में और 9 जोड़ा परिधि पर होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं 9+2 प्रणाली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, पूछा जाता है कि बताइए पश्चिमाविका या कशाविका में किस प्रकार की प्रणाली पाई जाती है। तो 9+2 अरेंजमेंट होता है, दो केंद्र में 9 जोड़ा परिधि पर पाया जाता है। क्लियर है बातें? आइए इसको हम 3D में देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये देखिए, ये है कशाविका। इसके हम अंदर के भाग को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इस तरह से संरचना दिखाई देगी। मैंने आपको क्या बताया कि चाहे पश्चिमाविका हो चाहे कशाविका हो, किससे बनी होती है? सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इनके कोर को अक्ष सूत्र एक्सोनीम कहते हैं। अक्ष सूत्र में हम सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था देखेंगे, तो केंद्र में दो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो आपस में ब्रिज द्वारा जुड़ी होती हैं, और परिधि पर 9 जोड़ा द्विक सूक्ष्म नलिका यानी डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 जोड़ा होते हैं। ये दोनों आपस में ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं, कवर्ड होते हैं सेंट्रल सीथ के माध्यम से, और ये जो परिधि पर पाए जाने वाली सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वो इनसे जुड़ी होती हैं रेडियल स्पोक के माध्यम से। ये है रेडियल स्पोक। बस इतना ही तो आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है पश्चिमाविका कशाविका के बारे में। ऐसे कुछ फिगर आपके NCERT में मेंशन है। दो आपके केंद्र में हैं, आपस में ब्रिज यानी सेतु द्वारा जुड़े हुए हैं, चारों तरफ से केंद्रीय आवरण सेंट्रल सीथ द्वारा घिरे हुए हैं। देखिए सेंट्रल सीथ है ये, और उसके बाद 9 जोड़ी परिधि पर इस तरह से डबलेट के फॉर्म में सूक्ष्म नलिका पाई जाती हैं जो रेडियल स्पोक के माध्यम से सेंट्रल सीथ से जुड़ी होती हैं। ठीक है, रेडियल स्पोक के माध्यम से। बस अब मैंने आपको क्या बताया कि पश्चिमाविका हो चाहे कशाविका हो, कार्य क्या है? कोशिका को गति प्रदान करना। यह संरचना आपने समझ लिया। अब इसको मैं 3D में भी दिखाऊंगा कि कैसा इसका संरचना 3D में कैसी होती है। ये देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि सीलिया किस प्रकार से कोशिका को गति प्रदान करती है। अच्छा बताओ, एक आप 11th में पढ़ चुके हो, मैंने बताया था आपको कि
एक होता है सीलिएटेड प्रोटोजोआन। तो सीलिएटेड प्रोटोजोआन का उदाहरण क्या है, बताए थे पैरामीशियम। ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम के चारों तरफ सीलिया पाई जाती है। आपने अगर इसकी संरचना को देखा होगा तो इसकी संरचना कैसी होती है, चप्पल के समान होती है इस तरह से, और इनमें चारों तरफ ऐसे सीलिया पाई जाती हैं। तो अभी आपको क्या बताएं कि सीलिया क्या काम करता है, गति प्रदान करता है। आओ देखते हैं कि कैसे ये गति प्रदान करता है। ये देखिए रियल इमेज है, पैरामीशियम है, इसके चारों तरफ देखिए ये सीलिया पाई जा रही हैं छोटी छोटी। ये सीलिया इसको अपने आसपास के पाए जाने वाले तरल में गति प्रदान करती हैं, चप्पू की तरह कार्य करती है। जैसे नाव में चप्पू लगाते हैं ना, डंडे पकड़ के उसको खींच खींच के आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही ये जो सीलिया आप दिखाई दे रही हैं ये इसको गति प्रदान करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया कि सीलिया कैसे किसी कोशिका को गति प्रदान करता है। अब देखिए फ्लैजिला किस तरह से गति प्रदान करता है और फ्लैजिला की संरचना क्या है। जैसी फ्लैजिला की संरचना है वैसे ही सीलिया की भी संरचना होगी। यह ह्यूमन स्पर्म में आप अगर ये देख रहे हैं तो यहाँ पर ये लंबी कशाबिका फ्लैजिला नजर आ रही है। फ्लैजिला कैसे देखो मूव कराने में मदद कर रही है, कोशिका को गति प्रदान कर रही है। अच्छा, आप क्लास 12th में पढ़ोगे कि जो कशाबिका होती है स्पर्म में उसको गति करने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, केंद्र में। अभी ये देखो, ये है 3D फिगर इसका फ्लैजिला का। देखो ऐसे सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को आपको बताया गया है, इन्हीं सूक्ष्म नलिका की व्यवस्था को बताया गया है कि इनके कोर को एक्सोनीम, ये पूरी संरचना को एक्सोनीम कहते हैं। इसमें केंद्र में दो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, और परिधि पर दो दो के फॉर्म में डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़े होते हैं। ये सभी कैसे जुड़े होते हैं, रेडियल स्पोक के माध्यम से, अरीय दंडे के माध्यम से। सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो आपस में सेतु यानी ब्रिज के द्वारा जुड़ा होता है, और चारों तरफ से केंद्रीय आवरण सेंट्रल सीथ द्वारा घिरा होता है। देखो 9 जोड़ी यहाँ पर परिधि में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और एक जोड़ा केंद्र में होता है। ये एक दूसरे से एकदम समानांतर यानी पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक टोमोग्राफी की इमेज दिखाया जा रहा है जिसमें मूवमेंट के लिए आपको ये मैकेनिज्म दिखा रहे हैं। इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है मूवमेंट के बारे में। ठीक है, ये इस तरह से 3D इमेज के माध्यम से आप देख पा रहे हो। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, इतना ही इनफ है। तो उम्मीद है कि आपको कशाबिका और पश्माबिका की संरचना के बारे में समझ में आ गया होगा। जो संरचना कशाबिका की है वही संरचना पश्माबिका की। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कशाबिका होती है उसकी संरचनात्मक जो प्रारूप है वो यूकैरियोटिक के कशाबिका से भिन्न होती है। बस इतना पॉइंट आप पहले इनके बारे में लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इनमें कि पश्माबिका हो चाहे कशाबिका, पश्माबिका व कशाबिका कैसी संरचना होती है, रोम सदृश। कशाबिका रोम सदृश अपवृद्धि यानी हेयर लाइक आउट ग्रोथ है, शरीर से बाहर यानी कोशिका से बाहर की तरफ आउट ग्रोथ है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि पश्माबिका छोटी होती है, पश्माबिका छोटी संरचना है जो कैसा काम करता है, चप्पू की तरह यानी ओर्स की तरह, चप्पू की तरह। नाव में जो लकड़ी का होता है ना चप्पू जिससे नाव को ढकेला जाता है, चप्पू की तरह कार्य कर कोशिका को उसके आसपास पाए जाने वाले तरल में गति प्रदान करता है। कशाबिका की बात करें तो कशाबिका बड़ी संरचना है, कशाबिका
बड़ी होती हैं, ये भी काम क्या करती हैं, गति प्रदान करती हैं, जो कोशिका को गति प्रदान करती हैं। यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे नोट करके कसाविका के बारे में ही, कि प्रोकैरियोटिक कसाविका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कोशिका की कसाविका से भिन्न होती है, कसाविका से भिन्न होती है, ठीक है। दूसरा, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो लिखेंगे पश्माभिका व कसाविका तारक केंद्र सदृश, यानी जैसे तारक केंद्र दिखता है वैसे ही तारक केंद्र सदृश संरचना, जिसे नहीं एक मिनट तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलता है, जिसे क्या कहते हैं आधारिकाएं, जिसे आधारिकाएं बैसल बॉडी कहते हैं, तो क्या बताएंगे अगर पूछा जाए पश्माभिका व कसाविका किससे बाहर निकलती है, तो क्या बताएंगे आधारिका यानी बैसल बॉडी से निकलती है। दूसरा, पश्माभिका हो चाहे कसाविका दोनों ही कोशिका झिल्ली से घिरी होती हैं। यहां पर एक चीज और लिख लो कि पश्माभिका कसाविका रोम सदृश अपवृद्धि हैं, जो कहां पाई जाती हैं, जो कोशिका झिल्ली पर पाई जाती हैं, जो कोशिका झिल्ली पर पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पश्माभिका व कसाविका कोशिका झिल्ली से घिरी होती हैं, कोशिका झिल्ली से घिरी होती हैं। इनके कोर को क्या कहते हैं, अक्ष सूत्र। इनके कोर को अक्ष सूत्र यानी एक्सोनिम कहते हैं, जो किससे बना होता है, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं यानी माइक्रोट्यूब्यूल, सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रो ट्यूब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। ये नलिकाएं अक्ष के समानांतर स्थित होती हैं, अक्ष के समानांतर यानी पैरेलल, समानांतर स्थित होती हैं। बात करें इनके अक्ष सूत्र में, तो अक्ष सूत्र के केंद्र में कितने सूक्ष्म नलिका होते हैं, एक जोड़ा। तो लिखेंगे अक्ष सूत्र के केंद्र में, अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका व परिधि पर अरीय रूप से विन्यसित नौ जोड़ा द्विक सूक्ष्म नलिका यानी डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। फिर लिखेंगे कि अक्ष सूत्र की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली
कहते हैं? ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, 9+2 प्रणाली कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं आपस में सेतु यानी ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं और केंद्रीय आवरण यानी सेंट्रल सीथ द्वारा घिरे होते हैं, और केंद्रीय आवरण सेंट्रल सीथ द्वारा ढका होता है। उसके बाद लिखेंगे कि परिधीय नलिका किससे जुड़ती है? केंद्रीय आवरण से। किसके माध्यम से? अरीदंड के माध्यम से। तो लिखेंगे परिधीय नलिकाएं केंद्रीय आवरण से अरीदंड यानी रेडियल स्पोक द्वारा जुड़ी होती हैं। इस प्रकार 9 छड़ के समान दिखाई देती हैं। बस, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि कसाबिका फ्लैजिला क्या है, कैसी संरचना होती है, किस प्रकार से इसमें सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है। सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था ही पूछी जाएगी। बस ये था आपका कशाबिका और पश्माबिका के बारे में। अब आपका आता है अगला, तारक काय व तारक केंद्र, तारक मेहता नहीं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। अब देखो तारक काय क्या होता है। तारक काय तारक केंद्र एक दूसरे के से संबंधित ही हैं, क्योंकि तारक काय तारक केंद्र से ही बनते हैं। तारक काय जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती, आप पढ़ चुके हो। तारक काय दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बनी होती है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। ये एक तारक केंद्र है, ये दूसरी तारक केंद्र है, और इस पूरी संरचना को कहते हैं सेंट्रोसोम यानी तारक काय। तो तारक काय किससे मिलकर बना होता है, क्या बताओगे? तारक काय दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बनी होती हैं, जिसे तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल्स कहते हैं। तारक केंद्र एक दूसरे से समानांतर नहीं लंबवत स्थित होती हैं। देखो इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, लंबवत स्थित होती हैं, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये भी तारक काय की संरचना है, जिसमें दो तारक केंद्र होते हैं और एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। लंबवत का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है, समानांतर का मतलब होता है इस तरह से, तो लंबवत स्थित होती हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि तारक काय में तारक केंद्र कैसे व्यवस्थित होती हैं, समानांतर या फिर लंबवत, तो क्या बताएंगे? लंबवत स्थित होती हैं। इनकी संरचना भी माइक्रोट्यूब्यूल से ही मिलकर बनी होती है, सूक्ष्म नलिका से ही मिलकर बनी होती है। ये ट्रिपलेट फॉर्म में होती हैं, जैसे वहाँ पर आपने देखा परिधि पर डबलेट में होती है, यहाँ पर ट्रिपलेट में होती हैं। संख्या में 9 होती हैं और 9 में प्रत्येक ट्रिपलेट होता है। मतलब इसको समझो, जैसे देखो ये हो गया एक सूक्ष्म नलिका, ये हो गया दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 9 सूक्ष्म नलिकाएं हैं। लेकिन आप इसमें भी देख रहे हो कि प्रत्येक 3-3 नलिकाओं से मिलकर बना है, तो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, 9 और ट्रिपलेट फॉर्म में, यानी 3-3 ट्यूब माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़कर और ऐसे 9 की व्यवस्था में यहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी प्रॉक्सिमल एंड के बारे में बात करें तो प्रॉक्सिमल एंड प्रोटीन का बना होता है। तारक काय और तारक केंद्र का कार्य क्या होता है? तो तारक काय और तारक केंद्र
पश्माविका और कशाविका की उत्पत्ति में मदद करते हैं। दूसरा, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। बस इतना ही आपको इसमें जानना था तारक काय और तारक केंद्र के बारे में। तो इसमें भी नोट करेंगे आप, तारक काय और तारक केंद्र में सबसे पहला पॉइंट कि तारक काय दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है जिसे तारक केंद्र सेंट्रियोल कहते हैं, जो आक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य यानी एमार्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल से घिरा होता है। ठीक, फिर लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि तारक काय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होता है जो ऐसे लिखेंगे जिसमें जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे तारक केंद्र 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों यानी पेरिफेरल ट्यूबुलिन फाइब्रिल्स से बने होते हैं। 9 परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं और प्रत्येक ट्यूबुलिन सूत्र त्रिक होता है यानी ट्रिपलेट होता है। देखेंगे प्रत्येक परिधीय ट्यूबुलिन सूत्र त्रिक यानी ट्रिपलेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे कि प्रत्येक तारक काय का अग्र भीतरी भाग यानी प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ ईच सेंट्रियोल किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है जिसे धुरी यानी हब कहते हैं। फिर आता है आखिरी कार्य क्या है, तो मैंने बताया पश्माविका और कशाविका के आधारी भाग को बनाता है, तर्कु तंतु यानी स्पिंडल फाइबर को बनाता है जो जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में काम करता है। लिखेंगे तारक काय व तारक केंद्र पश्माविका व कशाविका
के आधारी भाग यानी बेसल बॉडी व तर्कुतंतु के बारे में आपको कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में समझ में आएगा। स्पिंडल फाइबर को बनाता है, फिर लिखेंगे जंतु कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु उपकरण यानी स्पिंडल एपरेटस बनाता है। बस ये था आपका तारक काय और तारक केंद्र के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पश्माविका व कशाविका की आधारिक काय किससे बनती है, तो क्या बताएंगे, तारक काय व तारक केंद्र से बनती है। जंतु कोशिका विभाजन के दौरान तर्क उपकरण का निर्माण किससे होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया ये, तो तर्क उपकरण का निर्माण तारक काय व तारक केंद्र से होता है। तारक काय के अग्र भीतरी भाग यानी प्रॉक्सिमल रीजन का किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। उसके बाद तारक काय किससे मिलकर बना होता है, तो तारक काय दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं। तारक केंद्र किससे घिरा होता है, तो आकृष्टलीय परिकेंद्रीय द्रव यानी एमॉर्फस पेरिसेंट्रिओलर मटेरियल से घिरा होता है। तारक काय में तारक केंद्र कैसा व्यवस्थित होता है, समानांतर या फिर लंबवत, तो क्या बताएंगे, लंबवत। फिर उसके बाद तारक केंद्र कितने सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है, 9 सूक्ष्म नलिका से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये सभी सूक्ष्म नलिका ट्यूबुलिन सूत्र ट्रिपलेट होते हैं, त्रिक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, पश्माविका और कशाविका की संरचना में आपने जाना कि पश्माविका और कशाविका में क्या अंतर है, तो ये छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं, दोनों में समानता ये है कि संरचना समान होती है। 9 परिधीय द्विक सूक्ष्म नलिका से मिलकर बने होते हैं और 2 केंद्रीय सूक्ष्म नलिका से मिलकर बने होते हैं, यानी 9+2 की अरेंजमेंट पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला तो ये कि सेंट्रल में कितने होते हैं, 2 सूक्ष्म नलिका होते हैं, आपस में किससे जुड़े होते हैं, ब्रिज यानी सेतु द्वारा जुड़े होते हैं, या आप चारों तरफ से किससे घिरे होते हैं, तो सेंट्रल सीथ यानी केंद्रीय आवरण से घिरे होते हैं। फिर बताओगे कि परिधि पर जो सूक्ष्म नलिका होती है वो किस प्रकार से विन्यसित होती हैं, तो बताओगे अरीय रूप से विन्यसित होती हैं, रेडियली अरेंज्ड होती हैं। कितनी होती हैं, संख्या में 9, प्रत्येक कैसी होती हैं, डबलेट होती हैं, द्विक, ठीक। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो पूछे जाने हैं। दूसरा ये याद रखना कि प्रोकैरियोटिक की जो कशाविका होती है वो संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाविका से भिन्न होती है, चाहे पश्माविका हो चाहे कशाविका, दोनों ही कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं और दोनों ही गति प्रदान करते हैं। पश्माविका व कशाविका के कोर को क्या कहते हैं, अक्षसूत्र यानी एक्सोनीम कहते हैं। बस ये हो गया आज का टॉपिक, जिसमें आपने जाना पश्माविका कशाविका के बारे में, आपने जाना तारक काय तारक केंद्र के बारे में। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आपका केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में संपूर्ण बातें आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। धन्यवाद।